दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगॉस होटल। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज मोहम्मद आजम अली। फायदा नहीं है भाइयों, खाली बोलना नहीं है, नारा लगाना नहीं है, खुद बन जाओ आमदार, खुद बन जाओ खासदार, तभी बनेगा किसान सरकार। कांग्रेस गया बीजेपी आए, भाई वही वही भाषणबाजी, कोई ये बात तो कोई वो बात, तू कितना मई कितना, तू कितना काया मई कितना काया, तेरा वो घोटाला तो मेरा ये घोटाला, तेरा अंबानी तो मेरा अदानी, कितने आते हैं वोट भिखारी, हर चुनाव में आते हैं रंग बिरंगी कहानी लेके। नेता बदलता है, हमारे किसानों का हालत क्यों नहीं बदलता? किसानों का हालत अगर बदलना है, जैसा तेलंगाना राज्य में बदला है, किसान सरकार आने पर ही बदलता है। अब देखो, मैं दुबला पतला आदमी हूं, मैं जब शुरू किया था नेता लंबे लंबे मोटे मोटे थे मेरे से, अरे बोला ये दुबला पतला याद दे, ये कुछ कुछ दबा जाएगा भाई, इससे क्या होगा? अब क्या हुआ, देश जाता है। तो इसलिए नेता को देखा हैरान नहीं होना चाहिए, नेता का मोटापा कहां से आता है भाई? हमारे वोट से ही आता है। नेता बनता कहां से है? नेता का शक्ति क्या है? जब हम ये बात जान गए, जब तक ये बात नहीं समझेंगे भाइयों मेरे बहनों, हमारे को मुक्ति नहीं मिलेगा। हम ऐसे ही आत्महत्या करते रहेंगे लेकिन हमारा कोई देखेगा नहीं, वो लोग हमको लाइट ले लेंगे। दूसरा बात, मैं आपको आश्वासन देता हूं, अगर आप किसान सरकार बनाओ, गुलाबी सरकार बनाओ, 2 साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान, जगमगाता महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के हर गांव में, मुझे पूर्ण विश्वास है भारत बुद्धिजीवियों का देश है, बुद्धुओं का देश नहीं है। वक्त आने पर, देश को बात समझ में आने पर, महा महापुरुषों को, महा महा नेताओं को यूं तुत्कार दिया। देश में जब इमरजेंसी लगा, पाबंदियां लगे, लोग नायक जयप्रकाश नारायण के एक आवाज पे सारे देश एकत्रित हुए, उस समय के महान नेताओं को यूं उठा के फेंक दिए। आज वक्त आया है किसान भाइयों, बहुत हो गया इंतजार, 75 साल काफी लंबा ही समय होता है। अब तक हम हल चलाते हुए कलम